नमस्कार, सिटी हलचल चैनल में आपका स्वागत है। ताज़ा अपडेट्स के साथ मैं राजवीर सिंह। हरिद्वार थाना खानपुर पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। मौके से 40 लीटर कच्ची शराब और 2000 लीटर लाहन किया जब्त। शराब बनाने के उपकरणों के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। देखिए, खानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खानपुर पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब की रोकथाम और उसके विरुद्ध निरोधात्मक अभियान चलाते हुए खानपुर क्षेत्र में पड़ने वाले गांव सिकंदरपुर के पास सोनाली नदी की आड़ में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध शराब निकालने की सूचना पुलिस को मिली। प्राप्त सूचना के आधार पर थाने से टीम गठित कर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर दबिश दी गई, तो मौके से एक अभियुक्त को भट्टी और शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके से एक ड्रम, बाल्टी, गैस सिलेंडर, एक पतीला और शराब बनाने के अन्य उपकरणों के साथ 40 लीटर कच्ची शराब और लगभग 2000 लीटर लाहन जब्त किया गया। लाहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने हमारे संवाददाता को बताया कि मौके से दो अभियुक्त तीरथपाल पुत्र श्री कलिराम और सोमदत्त निवासी सिकंदरपुर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए सवेरे से ही घेराबंदी कर दी गई है, जिन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब थाना प्रभारी ने अभियुक्त से गहनता से पूछताछ की तो उसने शराब को उत्तर प्रदेश में बेचने की बात कही। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में अपने सहयोगी राजपाल सिंह चौहान के साथ मैं राजवीर सिंह।